दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं Realme X7 Pro का स्टॉक कैमरा वर्सेस Google कैमरा कंपैरिजन, और देखेंगे कि Google कैमरा Realme X7 Pro में कैसा परफॉर्म करता है। और दोनों कैमरे को मैंने डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट किया है, तो वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले आप ये ग्राफ देख लो। 86% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियोग्राफी की बात करें तो दोनों ही कैमरे का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, अगेंस्ट सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट में। दोनों वीडियो में आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, अगेंस्ट सनलाइट में आप देख सकते हो स्टॉक कैमरा में सूरज दिख रहा है, वहीं गूगल कैमरा में सूरज नहीं दिख रहा है। जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट पर शिफ्ट होते हैं तो दोनों की वीडियो सेम है, लेकिन स्टॉक कैमरे के बैकग्राउंड में ग्रीन एनवायरनमेंट का कलर बूस्ट हो रहा है, वहीं गूगल कैमरे में उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रहा है। फ्रंट कैमरे से वीडियोग्राफी की बात करें तो अगेन सनलाइट में स्टॉक कैमरा थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू गूगल कैमरा, वहीं डायरेक्ट सनलाइट में गूगल कैमरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा। दोनों कैमरे की वीडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन गूगल कैमरे की वीडियो में आप फेस पे नोटिस कर सकते हो कि गूगल कैमरे ने डायरेक्ट सनलाइट को अच्छी तरह से कंट्रोल किया है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा। नॉर्मल कंडीशन में वीडियोग्राफी की बात करें तो स्टॉक कैमरा का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गूगल कैमरा, क्योंकि स्टॉक कैमरे की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है गूगल कैमरे के कंपेयर में, और डिटेल भी अच्छे हैं, आप स्काई और क्लाउड वगैरह पर नोटिस कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही के फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस सेम है, आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा स्किन टोन का फ़र्क है। ये तो हो गई वीडियोग्राफी की बात, अब चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कैमरा टेस्टिंग वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले अगेंस्ट सनलाइट में स्टैंडर्ड मोड की बात करें तो आप क्लियर देख सकते हो स्टॉक कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है गूगल कैमरे के कंपेयर में। स्टॉक कैमरे की इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और सनलाइट को भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। बोके मोड की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक कैमरा का बोके मोड में भी परफॉर्मेंस अच्छा है अगेंस्ट सनलाइट में एज़ कम्पेयर टू गूगल कैमरा। उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में फोटोग्राफी की बात करें तो दोनों कैमरे की इमेज अच्छी आई है, दोनों कैमरे ने डायरेक्ट सनलाइट को अच्छे से कंट्रोल किया है, लेकिन गूगल कैमरे ने थोड़ा सा बेटर कंट्रोल किया है। वहीं अगर डिटेल की बात करें तो गूगल कैमरे की डिटेल ज़्यादा बेटर है स्टॉक कैमरे के कंपेयर में। सेम कंडीशन में बोके मोड की बात करें तो स्टॉक कैमरे की इमेज अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गूगल कैमरा, क्योंकि आप देख सकते हो स्टॉक कैमरे की डिटेल ज़्यादा अच्छे हैं और एज डिटेक्शन को भी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया है, लेकिन स्टॉक कैमरा का कलर थोड़ा सा बूस्ट है और गूगल कैमरे में आपको कलर उतना बूस्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को बूस्टेड कलर पसंद आता है तो किसी को नेचुरल। फ्रंट कैमरे से अगेंस्ट सनलाइट की बात करें तो स्टॉक कैमरा ने बैकग्राउंड में सनलाइट को अच्छे से मेंटेन किया है, सन और स्काई वगैरह भी दिख रहा है, लेकिन गूगल कैमरे में फेस ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा। फ्रंट कैमरे से अगेंस्ट सनलाइट में बोके मोड में भी आपको सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सनलाइट में फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि गूगल कैमरे ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, जैसा कि आप फेस पे देख सकते हो सनलाइट को अच्छे से कंट्रोल किया है और डायनामिक रेंज भी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा। वहीं अगर बोके मोड में डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो यहाँ भी सेम रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा माइनर सा एज डिटेक्शन में दिक्कत देखने को मिल रही है दोनों ही कैमरे में,
लेकिन डिटेलिंग की बात करें तो गूगल कैमरे में ज़्यादा डिटेल देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा। कुछ सैंपल मैंने डायरेक्ट सनलाइट में लिए हैं, आप देख सकते हो। ये दोनों ही फोटोज़ अच्छे हैं, लेकिन गूगल कैमरे ने सनलाइट को बेटर कंट्रोल किया है। यहाँ भी आपको सेम रिज़ल्ट देखने को मिलता है, लेकिन गूगल कैमरे में कलर ज़्यादा नेचुरल आ रहा है। और ये क्लोज़अप शॉट भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको सेम ही रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये दोनों ही फ़ोटोज़ नॉर्मल कंडीशन में ली गई है, दोनों ही फ़ोटोज़ अच्छे हैं। स्टॉक कैमरा कलर को थोड़ा बूस्ट करता है, इसलिए इमेज थोड़ी ब्राइट है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। वहीं बोके मोड में नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो स्टॉक कैमरा का बोके मोड ज़्यादा बेटर है, एज डिटेक्शन भी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहा है और डायनामिक रेंज भी ज़्यादा बेटर है स्टॉक कैमरे में, आप स्काई वगैरह पे नोटिस कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में बैक कैमरे की तरह फ्रंट कैमरे का भी रिज़ल्ट सेम है। बैक कैमरे की तरह इमेज भी ब्राइट है और डायनामिक रेंज भी बेटर है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने कुछ क्लोज़अप शॉट लिए हैं, आप देख सकते हो। दोनों ही फ़ोटोज़ अच्छे हैं, लेकिन गूगल कैमरे की इमेज क्लोज टू नेचुरल है, कलर वगैरह को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, कलर ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोनों इमेज लो लाइट में ली गई है और आप देख सकते हो गूगल कैमरे के कंपेयर में स्टॉक कैमरा लो लाइट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है और बोके मोड में भी सेम रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और ये दोनों इमेज नाइट मोड ऑन करके ली गई है लो लाइट में ही। गूगल कैमरे का नाइट मोड यहाँ पे काम ही नहीं किया और स्टॉक कैमरे की इमेज थोड़ी सी ब्राइट हो गई है नाइट मोड ऑन करने के बाद। दोस्तों, दोनों के फ्रंट कैमरे की नाइट मोड की बात करें तो आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पे शूट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख सकते हो गूगल कैमरे ने ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दिया है स्टॉक कैमरे के कंपेयर में। हाँ, डिटेल वगैरह आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, बस लाइट वगैरह अच्छी मिल जाती है। ये दोनों इमेज नाइट मोड ऑन करके ली गई है बैक कैमरे से और यहाँ भी गूगल कैमरे ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है स्टॉक कैमरे के कंपेयर में। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि गूगल कैमरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है नाइट मोड ऑन करने के बाद फ्रंट कैमरे से। दोस्तों, कुछ फ़ोटोज़ मैंने आर्टिफिशियल लाइट में निकाली हैं बैक कैमरे से और यहाँ भी आप देख सकते हो गूगल कैमरे की इमेज ज़्यादा ब्राइट और अच्छी है। अब बात करते हैं दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है। वैसे वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया है, अगर मैं अपनी बात करूं तो लो लाइट और अगेंस्ट सनलाइट में गूगल कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में गूगल कैमरा का यूज़ करके इमेज निकालोगे तो आपको स्टॉक कैमरा से बेटर इमेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी जगह पे भी गूगल कैमरा बेटर परफॉर्म करता है, लाइट भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और कलर भी क्लोज टू नेचुरल देता है। हाँ, गूगल कैमरे में थोड़ा सा बग्स है, किसी किसी टाइम फ़ोटो क्लिक करते समय ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, आपको फिर से ओपन करके फ़ोटो क्लिक करना होगा। दोस्तों, वैसे तो गूगल कैमरा का बहुत सारा वर्ज़न अवेलेबल है, जो वर्ज़न मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और सिचुएशन के हिसाब से दोनों कैमरा का यूज़ करके एक अच्छी इमेज निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और दोस्तों, OnePlus Note 2 का स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं और इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूं, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट लाने की भी कोशिश करता हूं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।